कल हमने जो डिस्कशन किया था हमने शुरू किया था कि हम जो है बोहर ऑर्बिट की डेरिवेशन कर रहे थे जिसमें हमने एनर्जी की भी डेरिवेशन हमने वहां कहाँ ड्राइव कर लिया था हमने टोटल एनर्जी जो है ऑर्बिट की ड्राइव कर ली थी हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट की ठीक है अब हम जो है क्या करने जा रहे हैं हम उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्टार्ट से ही लेकर चलूंगी जो कल मैंने पढ़ाया था क्योंकि वो काम एक साथ है पूरा तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो है ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोग से कही थी कि ये किसको किसको बता रही है ये क्वेश्चन असल में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक टॉपिक है वहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन जनरेट होकर आती है क्योंकि असल में हमारे पास जो आ, पोटेंशियल like एनर्जी होती है जो है हमारे पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होती है ठीक है और नेगेटिव ऑफ ऑफ जो वर्क डन होता है वो आपके पास बराबर यानी वर्क डन किसके बराबर होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अब ये जो इक्वेशन ये अगर आपको देखें अगर आपको ये देखेंगे तो आपको ये देख तो के क्या नजर आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर देख के हमको नजर आ रहा है कि ये चीज हमें क्या शो कर रही है हमें एक चीज याद दिला रही है कूलम्स लॉ की तो कूलम्स लॉ हमारे पास कहता है कि कूलम्स लॉ एफ बराबर है आपके पास क्यू टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के ठीक है अभी इसी वैल्यू को मैं उठा के यहाँ पुट कर दूं यानी मैंने आपसे कहा कि ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ की अब यहाँ पे लिमिट्स लगती होंगी मेरे पास जो है वो बराबर हुआ वर्कडन के अब नेगेटिव साइन आ तो रहा है लेकिन अभी मैं लगा रही रही, नहीं मेरे पास ये आ रही हूँ ये वैल्यू रख दू तो मेरे पास क्या होगा सिंपली क्या आ जाएगा डायरेक्ट मेरे पास यहाँ से ड्राइव होकर ये वाला फॉर्मला आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर यानी एक आर और एक आर स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये देखिए और ये आर ये आर और एक ये आर कैंसिल तो हमारे पास जो है ड्राइव होकर कौन सा फॉर्मला आ गया ये वाला फॉर्मला आ गया इलेक्ट्रो पोटेंशन अनर्जी किसी भी सिस्टम की अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज की बात करूं यानी किसी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशन एनर्जी की मैं बात करूं कि दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशन कितनी हो सकती है तो अकॉर्डिंग टू पोजिशन मेरे पास ये आ रही है ठीक है ये जर्नल फॉर्मूला है अब मैंने क्या किया मेरे पास अगर मैं इस ऑर्बिट की बात करूं ये मेरे पास जो है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में मौजूद मेरे पास न्यूक्लियस मेरे पास पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है क्योंकि इसमें पाए जाते हैं मेरे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता तो इतना इसका मतलब है कि इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है न्यूक्सियस के ऊपर तो वो प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है ठीक है और ये जो है एक इमेजिनरी ऑर्बिट्स है हम जो है खाका बनाते हैं ऑर्बिट्स का क्योंकि हमें जो है ऑर्बिट्स जो है असल में उसकी शेप नहीं मालूम होती सॉरी शेप नहीं वो हमें पता ही नहीं होता है वो कैसे दिखने में कैसे होते हैं ये एक इमेजिनेशन है हमारे पास कि ये जो है सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में होते हैं यानी ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर सर्कल सर्कुलर पाथ की फॉर्म में होते हैं ठीक है तो आपके पास जो है ये ऑर्बिट है एक ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है ठीक है इस ये इलेक्ट्रॉन और ये ऑर्बिट ये, ये आपके पास जो न्यूक्लियस है ये ऑर्बिट और ये न्यूक्लियस uh, में मौजूद प्रोटॉन्स इन द ये दोनों आपस में क्या है बाउंडेड हुए में एक दूसरे से क्यों क्यों बाउंडेड हुए में क्योंकि आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्शन फील होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जितना आपके पास न्यूक्लियस के करीब होगा उतना ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेगा अच्छा ये तो एक अलग बात थी हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद मौजूद पर इलेक्ट्रॉन ठीक है एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है लेकिन दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो क्या है सेम है यानी ई चार्ज है तो मैंने क्या किया मेरे पास प्रोटॉन जो कि क्यू वन है और इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने कहा कि वो क्यू टू है ठीक है तो अब दोनों के चार्जेस को मैंने किसके इक्वल कर दिया इ के इक्वल कर दिया अब 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 इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्यू वन क्यू टू जो कि किसके इक्वल था इ के तो यहाँ पर इसकी जगह इ का स्क्वायर हो गया ठीक है अच्छा यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव साइन आनी चाहिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगी आ. जो कि मैं आपसे नेगेटिव वर्क डन की बात कर रही थी अच्छा अब के क्या आपके पास के जो है आपके पास कूलम्स कांस्टेंट है और नेगेटिव uh, साइन uh, किसको शो कर रहा है यहाँ पर इनको नेगेटिव साइन उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी की वजह से आ रहा है ठीक है यानी इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है कि वो जो है नेगेटिवली चार्ज होता है एज द कानेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी अगर हमें कॉनेटिक एनर्जी फाइन करनी हो तो कॉनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल आती है के इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर के अब लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या है यहाँ पर मेरे पास जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मूवमेंट प्रोटॉन की तो नहीं हो रही ना तो सारी की सारी पोटे काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन की होगी तो मेरे पास जो है यहाँ पर मास जो कि पहले किसी ऑब्जेक्ट का था अब वो ऑब्जेक्ट क्या है इलेक्ट्रॉन हो गया है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लूंगी और स्पीड uh, जो है यानी वेलोसिटी किसकी होगी हमारे पास स्पीड जो है सर में इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी तो उसका वी स्क्वायर हो गया अब मैंने क्या किया मेरे पास जो है सिस्टम की टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रोटोन प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पर मैंने सिस्टम अपना क्या लिया हुआ है एटम लिया हुआ है तो मैं क्या करूँगी कि उसकी जो है इसकी जो टोटल एनर्जी होगी ई वो किसके बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को यहां किया पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को यहां के पुट किया प्लस माइनस माँण, माइनस हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या बन गई क्वेश्चन नंबर वन एक मिनट जो भी अभी न्यू आया है वो चैट में अपनी अटेंडेंस लगा दें अ द इलेक्ट्रॉन इज मॉडलेटेड एज अ पार्टिकल फॉर्म सर्कुलर मोशन सो द इलेक्ट्रिक फोर्स अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स आई है हमारे पास जो कूलम फोर्स होती है हमने क्या कहा था ये होती है अब मेरे पास चार्जेस क्या हो गए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्जेस और उनका चार्ज क्या है ई e चार्ज है तो इस क्यू और क्यू की जगह हमने e का स्क्वायर कर दिया है तो जो कूलम फोर्स है वो इसके बराबर हो गई एक्जर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन ठीक है, एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रही है एक्सर्ट हो रही है वो भी किसके इक्वल है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स मासल एक्सेलरेशन ठीक है हमारे पास इस पॉइंट पे होगा क्या कि आपके पास जो है एक मिनट अब हमारे पास हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलर uh, मोशन में इलेक्ट्रॉन जब जो है मूव कर रहा है आपके पास और मॉडल हो रहा है एज अ पार्टिकल तो उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है ज़ाहिर है वो जो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो है अट्रैक्शन की वजह से फील होगी तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव फोर्सेज होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारे पास ये फॉर्मुला जो है हमारे पास किसके होगा कू, कूलम फोर्स का होगा ये हम इसको कूलम फोर्स कह सकते हैं मैं इसको कूलम फोर्स सी और उससे लिख रही हूँ कूलम फोर्स प्लस कुलम फोर्स ही हो एक तो ये लैपटॉप से जो है ये इस तरह लिखना टाइप करना बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑन द इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन और proton, की पे हो रही है, ये किसके इक्वल होगी ये जो कूलम फोर्स है ये एक ऐसी के जो कि यहाँ पर नहीं किया लेकिन वो इस ऐसी फोर्स के इक्वल होगी जो कि, कि किसके बराबर होगा जो कि बराबर होगा सेंट्रिप्टल फोर्स के ठीक है और फोर्स आपके पास कैसे आती है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की कूलम फोर्स है एफ ई शो कर रही है आपके पास इलेक्ट्रॉन की कूलम फोर्स को और एफ सी शो कर रही है आपके पास एम ए सी हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि आपके पास फोर्स बराबर है किसके मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के अब यहाँ पर हम डील कर रहे हैं सर्कुलर मोशन से तो वहां पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो एक्सेलरेशन होगा और ऑब्जेक्ट के आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास आएगा ए सी आपके पास किसके बराबर है वी स्क्वायर आर के यहाँ पर मैं पुट कर दूंगी तो मेरे पास असल में कूलम फोर्स किसके बराबर आ जाएगी कूलम फोर्स असल में इसके बराबर आ जाएगी ठीक है तो यही चीज है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो मैंने आपको ऊपर बताया उसको मैंने वर्डिंग्स में भी लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कुलम फोर्स और सेंटिप्रिटम फोर्स इक्वल हो जाएंगी ठीक है क्योंकि वो क्या होंगी आपस में पेंडिकुलर होंगी ये अगर मेरे पास किसकी डायरेक्शन है ये मेरे पास डायरेक्शन है मेरे पास कूलम फोर्स की तो मेरे पास जो है जो सेंटिप्रिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये होगी यानी आपस में वो क्या होंगी एक दूसरे के पेंडिकुलर होंगी अच्छा ये मेरे पास ऑर्बिट का रेडियस है ठीक है यानी इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का फासला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कितना है आर का है ठीक अब यहाँ पर मैं आपसे क्या बात कर रही थी ये आपके पास क्या है कूलम फोर्स है उसकी वैल्यू मैंने लिख दी इजिकल्स टू किसके बराबर थी एम सी ए सी और एम सी सी असल में क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है ठीक है एम ई ए सी एम ई में आपके पास क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ए सी किसके बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर के ठीक है ये चीज हमारे पास यहाँ तक आ गई अब क्या होता है कि मैंने पिछली वाली क्वेश्चन जो मेरे पास पहले जो आई है अभी जो मैंने आपसे निकाली कि के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Mv square upon r. मैंने उसको सॉल्व किया तो वहां से मेरे पास वेलोसिटी की क्या आ गई यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड या मैं कहूंगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की जो है मेरे पास क्या आ गई फॉर्मुला उसकी वैल्यू आ गई ये पास मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई अब मैंने इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर टू का अब मैंने क्या किया क्वेश्चन नंबर वन में जहां पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू मौजूद है उसमें मैं वी स्क्वायर को रिप्लेस करवा दूंगी किससे इससे रिप्लेस करवा दूंगी ठीक है जब मैंने इस वैल्यू को रखा तो एमई e और एमई कैंसिल e हो जाएगा और मेरे पास फार्मूला जो है फाइनली किया जाएगा इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया अब मैंने क्या किया कि मैंने काइनेटिक एनर्जी की इसी वैल्यू को उठा के कहां पुट किया मेरे पास टोटल एनर्जी किसके बराबर थी ई इज इक्वल्स टू के प्लस वी तो पहली जो इक्वेशन थी पहली इक्वेशन में मेरे पास जो है क्या था पहली इक्वेशन में मेरे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की पहले वाली वैल्यू क्या थी हाफ एम ई वी स्क्वायर और अब वो ड्राइव होकर के आ गई वाली वैल्यू आ गई तो अब मैं क्या करूंगी अब मैं वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया मैंने ठीक है फिर मैंने इसको सॉल्व किया सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास कुछ ये फॉर्मुला आया टोटल एनर्जी मेरे मेरे पास आ गए, K e e 2R. मेरे पास आ गई ये नंबर फोर हो गई अब देखें यहाँ पर ही कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव है जिससे ये पता चल रहा है कि आपके पास में इंडिकेट्स अ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बाउंडेड हैं। एनर्जी इज टू द इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी हमें क्यों रिक्वायर्ड है ये एनर्जी हमें इसलिए रिक्वायर्ड है कि हम जो है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिमूव करवा सकें इस इलेक्ट्रॉन यानी इस एनर्जी की हमें जरूरत इसलिए है कि हम इसको Uh, एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास मौजूद है उसको हम रिमूव करवा सके और जब हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे तो क्या होगा सिस्टम की उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी वी कैन ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर आर एन अब हम क्या करेंगे कि हम 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 जो है उसी हम, अब रेडियस हम फाइंड करने जा रहे हैं ऑर्बिट का और वो ऑर्बिट और उस ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करेंगे जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव मौजूद था अच्छा बोहर कहता है द रेडियस ऑफ द अलाउड ऑर्बिट्स क्योंकि उसने बात की थी कितने डिस्क्रिएट ऑर्बिट्स की बात की थी अब बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर बी क्वेश्चन नंबर बी आपके पास कहाँ से ही अगर आप बात अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें कल हमने बोहर जो है ऑटोमिक मॉडल डिस्कस किया था तो उसमें हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ रहा था वहां पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मुल आ रहा था एम ई वी आर इज इक्वल्स टू एन एच कट यानी ये वाला एन एच कट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द Um, e -V -E -R. ये आपके पास इंट ये आपके पास जो है असल में क्या था ये एंगुलर मोमेंटम था इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस ठीक है एच कट आपके पास किसके बराबर है एच कट आपके पास बराबर है टू पाई के तो आपके पास यहाँ पर अब क्या होगा कि हमारे पास जो है इसे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें इसी फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी की एक नई वैल्यू निकलेगी जो कि क्या आएगी हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा एन का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन एम ई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर ठीक है ये आ गई ये वैल्यू और वी स्क्वायर वैसे किसके बराबर है ये तो हमारे पास जो हमारे पास बोहर का थर्ड पॉइंट था कि आ, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस तो वहां से हमारे पास जो है इसका हमने क्या किया कि यहाँ से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया और वी स्क्वायर की हमें जरूरत थी तो हमने इसको क्या कर दिया इसकी पूरी चीज की स्क्वायरिंग कर दी अब वी स्क्वायर इनिशियली तौर पर जो हमने ड्राइव किया था वो किसके बराबर था इसके बराबर था तो इसका मतलब है ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी हम इसको कंपेयर करेंगे कंपेयर कराने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं एक आर स्क्वायर और एक आर कैंसर एम ई और एक एम ई कैंसर ठीक है ये सब कैंसिल होने के बाद जो चीजें हमारी बचेंगी वो ये फॉर्मूला आएगा और आर एन जो मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एनी ऑर्बिट ठीक है आर एन रिप्रेजेंट करता है आपके पास रेडियस फॉर एनी ऑर्बिट जिस ऑर्बिट का भी आपको रेडियस चाहिए उसके लिए हमने क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑर्बिट की कितनी तादाद है तो इसलिए हमने इसको कह दिया रेडियस फॉर ऑफ एन ऑर्बिट क्योंकि नहीं, नहीं। आ, एन से हमारे पास कुछ ये शो होगा कि हम एन की को, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या होगा कि वैल्यू आ, आ जाएगी किसकी आपके पास उस रेडियस की जिस रेडियस की आपको वैल्यू चाहिए अच्छा ये डायग्राम है अब ये जो डायग्राम है ये अभी समझ में नहीं आएगी मैं आगे जाऊंगी इस फॉर्मूले को मजीद समझाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा अब ये देखिए कि इस फॉर्मूले में, में मेरे पास क्या है एच कट स्क्वायर एम ई स्क्वायर ई स्क्वायर और के ये सारे कॉन्स्टेंट हैं तो इस कॉन्स्टेंट को कैलकुलेट करके हम एक सिंबल निकालेंगे अब वो देखिये किसके बारे होता है एन किसको शो कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को शो कर रहा है तो बा क्या हुआ कुछ पूछना है आपने लिखा है है वो किसका है? है रेस किया था, कुछ पूछना है तो पूछो मैम मैं पूछ रही थी कि अच्छा, पे चलते हैं अपॉन लिखा है वो फॉर्म है ठीक है अब देखो मैंने आपसे क्या बात की थी मैंने आपसे ये बात की कि हमारे पास जो पीछे जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास जो वैल्यू आ रही है जो मैंने जो मैंने मैंने आपसे वाली वैल्यू निकाली सारी वैल्यू की बात की ये वाली चीज ये पूरी चीज मेरे पास इसको मैंने पीछे किसके इक्वल का है? एक मिनट एच कट अपॉन टू पाए मैंने आपको बताया अभी किसके बराबर है ये uh, अगर कल का आप लेक्चर थोड़ा सा रिव्यू करो तो ये सॉरी ये जो है हमारे पास मैंने उल्टा लिख दिया है एच कट बराबर है आज आपके पास एच अपॉन टू पाई के यानी अब बात कर रहे हो आप किसी सर्कल की तो सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और आप वहां पर बात कर रहे हो फोटो यानी इलेक्ट्रॉन के जो है नेचर की तो हमने एक जानते हैं इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है प्रिंसिपल से एच कर बराबर है अपॉन टू पाई के किसी भी स्टूडेंट को अब मैं एंटर नहीं होने दूंगी जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं बार बार ये जो अब एंट्री जो आप लोग कर रहे हैं अलाउ नहीं करूंगी ठीक है तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई अब यहाँ मैंने देखा आपको बताया कि मैंने एच कट स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर ई स्क्वायर के ये सारे कांस्टेंट हैं एम ई जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और के आपके पास कूलम्स कांस्टेंट है और ये क्या एच कट स्क्वायर ये भी आपके पास किसके बराबर है एच अपॉन टू पाई के एंड जो कि प्लांट्स कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू मैं यहाँ रखूंगी तो मेरे पास आगे देखें मैंने आपको मजीद बताया है uh, एक मिनट इक्वेशन नंबर सिक्स शोज दैट रेडियाई ऑफ द अलाउड ऑर्बिट्स यानी इक्वेशन नंबर जो मैंने पीछे निकाली है उसमें मेरे पास आर एन जो है उससे मैं क्या करूंगी अगर मेरे पास जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है जाहिर है हर ऑर्बिट अलग अलग होगा आप कोई ऑर्बिट हो सकता है टू हो थ्री हो तो हर डिस्ट्रिएट ऑर्बिट एट डिफरेंट वैल्यूज हैं तो मैं हर ऑर्बिट की जो मेरे पास रेडियस आएगा वो भी डिफरेंट आएगा तो इसलिए मैं उनको कहूंगी कि वो क्या होंगे क्वांटाइज्ड होते हैं ठीक है यानी यानी बोहर का वही पॉइंट। तो हमारे बेस करेगा में uh, पाया जाएगा जिसकी हमें जो है यानी जहां पर वो मौजूद होगा बोहर की थर्ड प्रॉपर्टी कहती है जहां पर हमें हम बात कर रहे थे एंगुलर uh, मोमेंटम की ठीक है द ऑर्बिट्स ऑफ दर रेडियस अब हमें जो है सबसे वो ऑर्बिट जिसका रेडियस सबसे स्मॉल होगा हमें वो चाहिए अब मैंने हमसे क्या किया पीछे मैंने फॉर्मूला बनाया किसका आर एन का फॉर्मूला बनाया तो आर एन मेरे पास बराबर था एन स्क्वायर और ये वाली जो वैल्यू यहाँ मौजूद है इसके बराबर था ठीक है इसके बराबर था इस ये तमाम वैल्यूज मेरे पास क्या है एक कांस्टेंट है अब मैंने इनमें इसकी तमाम वैल्यूज रख दी एच कट मेरे पास बराबर होता है अपॉन पाई के इसका होल स्क्वायर किया नीचे मैंने इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज रख दी मैंने इसकी वैल्यूज पर शो नहीं किया है और यहाँ पर आपके पास इक्वल्स टू आएगा ठीक है टाइपिंग में मैं वो करना भूल गई तो इन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये पूरा सॉल्यूशन सॉल्व होकर इस वैल्यू के इक्वल आएगा ठीक है और असल में ये वो है, वो वैल्यू है जो कि असल में हमारे पास किसके बराबर है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है ठीक है और इसको आप जो है कि स्मॉल सिंबल भी आप नाम दे सकते हैं ए नॉट का ठीक है तो ये आपके पास इसका मतलब है ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी यहाँ पर मौजूद थी अब मेरे पास अगर मुझे किसी दूसरे फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा किसी भी दूसरे ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना हो तो वो बराबर होगा एन स्क्वायर इंटू ए नॉट और ए नॉट असल में मेरे क्या है मेरे पास क्या है असल में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है ठीक है आप अगर खुद भी चेक कर सकते हैं यहां अगर अगर आप एन की फर्स्ट एन uh, की वैल्यू रखें वन और ये जो तमाम कांस्टेंट है इन सब को कैलकुलेट करें तो आखिर में आपके पास जो है सॉल्यूशन में आपके पास यही वैल्यू जो है सॉल्व वो करेगी ठीक है तो मैंने क्या किया जो पीछे मेरे पास इक्वेशन आ रही थी इक्वेशन इक्वेशन नंबर नंबर इस वैल्यू को मैंने क्या किया जो पीछे 6 आ रही थी वहां मैंने ये वैल्यू पुट कर दी अब देखिए आर एन इजिकल्स टू जो के बराबर है मैंने आपसे कहा कि मैंने इसको किसके बराबर कर दिया ए स्क्वायर के बराबर कर दिया तो ये रहा ए स्क्वायर लिखा हुआ है और ए नॉट सॉरी ए नॉट मेरे पास किसके बराबर आ रहा है 0.0529 नैनोमीटर के ये वो वैल्यू होती है हमारे पास जो कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है और इसको हम एमस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं अभी इसकी मैं एक्स्ट्रॉम में भी कन्वर्ट करके आप लोगों को इसको दिखा दूंगी ठीक है वन एंस्ट्राम हमारे पास टेन इंटू टेन की पावर माइनस टेन मीटर के बराबर होता है अच्छा मैंने क्या किया मैंने आपसे कहा कि आर वन जो है ये पूरी कॉन्स्टेंट वैल्यूज है इसको मैंने नाम दे दिया ए नॉट का और ए नॉट असल पास किसको शो करा है फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस के जो है ऑर्बिट के फर्स्ट रेडियस को ठीक है फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को तो इसका मतलब है ये जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्मूला एग्जैक्टली exactly क्या बन रहा है ये बन रहा है ठीक है तो मेरे पास जो है एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये वीडियो किसने खोली हुई है एक मिनट हमारे पास इस मीटिंग को खत्म होने में दस मिनट रह गए अच्छा मैं आप लोगों से बात करी थी कि हमारे पास ये फॉर्मूला आया है और ये वैल्यू आपके पास किसके बराबर थी कि हमारे पास ये सारे कॉन्स्टेंट है अगर इसी फॉमूले को मैं रखू और इस वैल्यू को ठाक के मैं यहाँ रखू और एन की वैल्यू अगर मैं वन पुट करूँ फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट वाला तो मेरे पास एग्जैक्टली exactly यही वैल्यू आ जाएगी ठीक है जो मेरे पास यहाँ ड्राइव होकर आ रही है ठीक है तो ये जो जर्नल फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं कि ए नॉट मेरे पास किसके बराबर है इसके बराबर है तो अब मेरे पास ये फॉर्मूला असल में वो formula, आ, मेरे पास किसी भी ऑर्बिट का मुझे रेडियस फाइंड करना हो तो मैं इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकती हूँ यहाँ पर जो है एन स्क्वायर की कोई भी एन की कोई भी वैल्यू रखू एन क्या है मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है वन टू थ्री एंड सो ऑन बोहर प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द राइट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट उसने जो है uh, क्या क्या चीजें प्रोडक्ट की रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट किया लेकिन बोहर हमने कल बात की थी कि प्रोडक्ट जो है हमारा जो बोहर है उसने सिर्फ स्मॉल ऑर्बिट्स के लिए काम किया था लार्ज ऑर्बिट्स के लिए जो है वो स्पेक्ट्रम भी ऑब्जर्व नहीं कर सका था जिसमें हमने बात की थी स्टार्क इफेक्ट की ये उसका ड्रॉबैक था देन आपके पास अगर मैं इसको अगर जो मेरे पास ये फॉर्मूला आया है मैं पिछली डायग्राम की तरफ जाऊँ जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मैं पिछली डायग्राम की तरफ जाऊँ अपनी ये जो डायग्राम देखें आपके पास न्यूक्लियस से जो ऑर्बिट जितना नजदीक है फर्स्ट ऑर्बिट उसका जो रेडियस है वो आपके पास ए नॉट है जो कि मेरे पास था, ये असल में है फिर अगर आप सेकेंड uh, ऑर्बिट की तरफ जाए तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है टू है एन का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा वो फोर होता है अब फोर को आप ए नॉट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास क्या हो गया आर टू आ गया इसी तरीके से ये थर्ड ऑर्बिट है ठीक है तो ये थर्ड ऑर्बिट का फॉर्मूला है इसमें ए नॉट की वैल्यूज पुट करूंगी तो रेडियस यहाँ से भी आ जाएगा तो फर्स्ट थ्री रेडियस जो है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट के ऑर्बिट्स के रेडियस की वैल्यूज उसने निकाल के दिखा दी हमें ठीक है कि हम क्या इसी तरीके से बाकी ऑर्बिट्स की भी हम निकाल सकते हैं द कॉन्टाइजेशन ऑफ ऑर्बिट रेडियस टेंड्स टू एनर्जी कॉन्टाइजेशन यानी अगर हमारे पास अब उसने बात की जैसे कि हमारे पास ऑर्बिट्स भी क्या हैं वो भी कॉन्टाइज हैं आपके पास रेडियस भी कॉन्टाइज है और आपके पास एनर्जी भी कॉन्टाइज हो जाएगी क्योंकि एनर्जी जो है हमारे पास हर वक्त कंटिन्यूसली तो नहीं निकलती रहती ना हमारे पास इमिशन भी हो रहा होता है एब्जॉर्बन भी हो रहा होता है अब आपके पास जो पीछे फॉर्मूला आया था ड्राइव होकर यहाँ पर के ई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या आ रहा था अगर आप पीछे जाएँ थोड़ा सा तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहा था ये फॉर्मूला था अब मैं अगर एग्जाम्पल मैं तो ये तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैंने सिर्फ निकाल लिया अगर मैं आ, किसी भी आ, किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन की मानी मुझे आ, किसी ऐसी एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला तो ये है लेकिन अब मैं बात चाह रही हूं कि मैं असल में मैंने मैं मैं एनर्जी करनी हो तो मैं क्या करूंगी मैंने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे पास फॉर्मले में क्या मौजूद था के ई स्क्वा टू आर था ये अब मेरे पास मैं बाद एनर्जी निकालना चाह रही हूँ फॉर एनर्थ ऑर्बिट की तो मैं आर की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया पुट किया मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व किया और आर एन की वैल्यू मेरे पास क्या आई है वो ये आई है तो मैंने क्या किया यहाँ में इसको पुट कर दिया और अलग अलग शो कर दिया इस वैल्यू को ठीक है एंड आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं अब क्या है मेरे पास इंसर्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज इन टू दिस एक्सप्रेशन अब अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास ये क्या है ये पूरी चीज मेरे पास एक कांस्टेंट है इन तमाम की वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पर रखूँ कुलम कांस्टेंट की वैल्यू को कूलम कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास ये रही ठीक है इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मौजूद है और टू और ए नॉट की वैल्यू मेरे पास ये आई हुई है पॉइंट जीरो फाइव टू नाइन तमाम वैल्यूज को उठाकर मैं यहाँ रखूँ तो सॉल्व होने के बाद वो मेरे पास क्या आएंगी इसके इक्वल आएगी ठीक है सॉल्व करके देखिएगा और अगर नहीं आ रही हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना जो है मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा ठीक है जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और ये वो वैल्यू है असल में जो इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को शो कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो होगी वो आपके पास ये है ये देखें ये आई हुई है क्योंकि ये क्या है असल में ये कहा से ड्राइव होकर आई है ये कांस्टेंट से ड्राइव होकर आई है और ए नॉट भी हमने कैसे निकाला था कांस्टेंट्स वैल्यूज से निकाला था ठीक है अगर फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर आर एन को वन भी रख दू वन का स्क्वायर कर दू तो मेरे पास यहाँ भी ये वन हो जाएगा तो ये वैल्यू ड्राइव होकर ये जो वैल्यू आएगी असल में ओनली सेटिस्फाइंग दिस एनर्जी आर परमिटेड एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट अगर मेरे पास एन इजिकल्स टू वन है मैं यहाँ दोनों वन रख दूँ तो मेरे पास ई वन किसके आ जाए इक्वल आ जाएगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल के लिए अब मैं क्या करूंगी मैंने अब मैंने इनको सॉल्व कर लिया मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई मैंने इसी को रखा नीचे सिर्फ मुझे क्या करना होगा अब मुझे किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद है डिसक्रिएट ऑर्बिट पर अलग अलग ऑर्बिट में कोई एक ऑर्बिट में वो नहीं रह मौजूद नहीं अगर वो किसी और ऑर्बिट में चला जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके या वापस आ जाता है किसी दूसरे ऑर्बिट में तो वहां पर मुझे जो है ये फॉर्मूला मैं लगा सकती हूँ तो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है एन इजिकल्स टू टू हो जाए मेरे पास ठीक है तो मेरे पास क्या होगा यहाँ मैं टू से डिवाइड टू का स्क्वायर कर दूंगी कि मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी ठीक है फिर मजीद यानी जो एनर्जी लेवल की जो पीछे मैंने आपको डायग्राम बताई है अगर अब मैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाती हूँ ये जो मैं यहाँ पॉइंट बता रही हूँ ना नीचे ये जो मैंने पॉइंट बताया है द अपर मोस्ट लेवल एंड टेंस टू इन्फिनिटी आर इन्फिनिटी ये आपको कैसे समझ आएगा ये मैं अपने पे जाती हूँ ये आपके पास एक डायग्राम शो हुई हुई है एनर्जी लेवल्स की यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट है ठीक है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी राइट साइड पे बताई हुई है ठीक है ये लेमन सीरीज है फिर ऊपर बालमर सीरीज है फिर इसी तरीके पास और फिर एक यहाँ पर जाके ऊपर आपको पास जो है अब यहाँ पर दिखाया है कि एंड क्या हो गया है इन्फिनिटी हो गया अगर ऐसे पॉइंट पे जाके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन्फिनिटी को रीच करें तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास रेडियस भी क्या होता है इन्फिनेट हो जाता है क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को वॉर्ड से देखें आर एन मेरे पास किसके बराबर है एन स्क्वायर इन ए नॉट के और मेरे पास जो है रेडियस का जो ऑर्बिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के तो इसका मतलब है अगर एंड जो है इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा रीच करेगा तो मेरे पास रेडियस भी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा ठीक है लेकिन जो है इसी आर का जो है मेरे पास एनर्जी से क्या है इनवर्स रिलेशन बनता है जब इनवर्स रिलेशन बनता है तो हमारे पास अगर ऑर्बिट या रेडियस अगर इन्फिनिटी की वैल्यू पर होगी तो उस ऑर्बिट की एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी जो पीछे मैंने आपको बात बताई नीचे जो नजर नहीं आ रही होगी वो मैंने यहां जो है इस डायग्राम के थ्रू बता दी ठीक है द पार्टिकल इन अ बॉक्स द पार्टिकल इन अ बॉक्स इन इक्वेशन नंबर टेन एन स्क्वायर सो दे बिकम फर्दर अ पार्ट इन एनर्जी एन बिकम फर्दर अ पार्ट इन एनर्जी एज एन इनक्रीजेस यानी वो कह रहा है कि पीछे वाली इक्वेशन में जहाँ पर हमारे पास नीचे एन स्क्वायर मौजूद है आ, मैंने पीछे जो फॉर्मूला निकाला है अपना ई e एन का माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स ये देखिए आप यहाँ से ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया था जैसे जैसे एन इंक्रीज होता जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी कम होती चली जाएगी तो वो इस पॉइंट में असल में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है और अदर हैंड द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर वही पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दिया कि एनर्जी जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट से क्या है इनवर्स रिलेशन यहाँ पर बन रहा है सो देयर सेपरेशन एनर्जी बिकम्स स्मॉलर एज इंक्रीजेस यानी इनकी एनर्जी की सेपरेशन जो है क्या होती जाएगी कम से कम होती जाएगी जैसे जैसे जो है एन uh, क्या हो जाए इंक्रीज होता जाएगी देखिए आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स करीब करीब आ रहे हैं तो इनके दरमियान की जो सेपरेशन है वो करीब करीब होती चली जाएगी और एन uh, uh, जो है हमारे पास इंक्रीज होता चला जाएगा एज द सेपरेशन बिटवीन अप्रोचेस टू जीरो यानी एनर्जी लेवल्स एक पॉइंट पर इतने करीब हो जाएं कि वो उनकी एनर्जी क्या हो जाए जीरो हो एनर्जी तो लेवल्स ये 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 है, हैं हमारे पास एन जो है वो किसको रीच कर रहा है इन्फिनिटी को रीच कर रहा है और आपके पास जो उन ऑर्बिट की जो एनर्जी जो एनर्जी आ रही होगी वो जीरो आ रही होगी जीरो एनर्जी का मतलब है कि हमारे पास वो बाउंड्री जब हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बाउंडिंग की तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और ये ठीक है तो हम बात कर रहे थे इसकी अब हम जो है ये कह रहे हैं कि आपके पास जीरो एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है हम पहले क्या थे हम हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बाउंडेड सिस्टम की यानी बाउंड्रेड सिस्टम तब बात करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के जो है करीब करीब हो ठीक है ज्यादा दूर ना हो लेकिन अब ऐसा पॉइंट आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ चला गया है अब इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट में चला गया है तो अब वहां पर एनर्जी क्या हो गई है जीरो हो गई है तो हम ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे जहां पर हमारे पास एनर्जी जीरो हो गई है वहां पर हम जो है इसको अनबाउंड सिस्टम कहेंगे ठीक है इफ द एनर्जी ऑफ द Atom is from that of the state to किसी ऐसे ऑर्बिट में जा रहे हैं जहां पर एनर्जी ज्यादा तो है पर जीरो से ज्यादा है ठीक है यानी इसका मतलब है कि वो किसी ऐसे ऑर्बिट में है जहां पर एन जो है क्या है इंफिनिटी ना हो ठीक है तो इसका मतलब है वो इस किसी ऑर्बिट में मौजूद होगा अब वो कह रहा है कि आपके पास उस वक्त क्या होगा एटम किस हालत में होगा आयोनाइज हो जाएगा क्यों क्योंकि हमने क्या किया है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू हमने कम से कम एनर्जी दी है उस एटम को आयोनाइज कराने के लिए जो कि ग्राउंड स्टेट में मौजूद है ठीक है और जो एनर्जी हमने उसको दी है वो कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है जैसे कि हम एक क्वेश्चन नंबर इस इसमें इस देख भी रहे हैं The ionization energy for the hydrogen atom in the ground state. ठीक है इस फर्स्ट स्टेट में हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जीरो जब वो अगले ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ठीक है अगले ऑर्बिट में गया उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की तो उसकी एनर्जी कुछ और भी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है अब बोहर ने क्या किया बोहर कंट्रीब्यूट दैट मेजर अचीवमेंट जो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी फॉर द आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है किसी दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी थर्ड या फोर्थ ऑर्बिट में चला गया तो यहाँ यहाँ जाने के बाद उसकी एनर्जी फर्स्ट करो इतनी एनर्जी हो गई ठीक है और अब वो वापस इस ऑर्बिट में आता है अब वापस किसी छोटे ऑर्बिट में आता है इस वक्त वो मौजूद है मैंने कहा कि वो फोर्थ ऑर्बिट में मौजूद है अब फर्स्ट करो कि वो वापस आना चाहता है सेकेंड ऑर्बिट में या ग्राउंड स्टेट में तो जब वो वापस आएगा तो वापस आने में जो एनर्जी उसने जब जाने में जितनी एनर्जी ली थी अब वापस आने में वो इतनी एनर्जी वो क्या करेगा रिलीज आउट कर देगा किस फॉर्म में फोटोन्स की फॉर्म में और वो यानी फोटॉन्स फोटोन्स की फॉर्म में रेडिएशन फॉर्म ऑफ रेडिएशन तो वो जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी आपके पास फोटोन की एनर्जी के और फोटोन की एनर्जी हमारे पास बराबर आती है एच एफ के और ये वो एनर्जी होगी असल में हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा होगा तो वो इतनी एनर्जी निकाल देगा जिसकी उसको जरूरत नहीं है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकालेगा उसको वो ठीक है तो और इसकी इस यहाँ पर जो एनर्जी आपके पास मौजूद होगी इसकी और आपके पास ये वाला जो ऑर्बिट है इन दोनों एनर्जीज का इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस बराबर होगा उस एनर्जी के जो रेडिएशन आपके पास इमिट आउट हुए इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर क्या है इस फॉर्मूले में ई माइनस ई एफ इज इजिकल्स टू एच एफ के बराबर है अब इसी फार्मूले से मैं क्या करूंगी इसी फॉर्मूले से मैं जो हूँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी जनरेट करूंगी एक मिनट जी मैं सम क्या काम है बोलिए आप मैं सम क्या हुआ है आपने हैंड वेस्ट किया है। माइक पे आकर बोलिए अगर कुछ कहना है अच्छा यहां पर हमारे पास ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच ये जो है इस फॉर्मूले को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है तो मेरे पास ये आया ठीक है मेरे पास कोई भी ऑर्बिट हो सकता है अब मेरे पास फॉर्मूला एनर्जी का क्या था मेरे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो ड्राइव होकर कर आ रहा था अच्छा मुझे थोड़ा सा आ, 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 पांच मिनट दीजिएगा मैं आती हूँ एक मिनट मैं इसको स्टॉप करके जा रही हूँ रिकॉर्डिंग को जी एम बैक तो हमारे पास जो है ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है हमारे पास जो है ये ई एन किसके बराबर था इसके बराबर था और ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने किया क्या है कि यहाँ पर इन्होंने ई आई का फॉर्मूला क्या बनेगा अगर मैं ई आई का फॉर्मूला बनाऊ इसी फॉर्मुले को लेकर मैं ई आई का फॉर्मूला बनाऊ यहाँ इन्होंने क्या किया है कि असल में इन्होंने ए नॉट की जगह ए नॉट की जगह ये ये जो पूरी वैल्यू किसके बराबर थी ये कॉन्स्टेंट है सारे तो ये वैल्यू असल में कैलकुलेट होकर हमारे पास पीछे से आ रही थी अगर हम देखें और ये वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास किसके बराबर आ रही थी ये माइनस थर्टीन पॉइंट जीरो सिक्स के बराबर आ रही थी जो कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो देखते हैं हमारे पास ये क्या वैल्यू आएगी आप भी इसको देखिएगा इन्होंने यहाँ पर वैल्यू लिखी नहीं है तो हम इसको और मजीद समराइज कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए तो इन्होंने ई आई का फॉर्मूला क्या रखा है आपके पास ये वैल्यू ई स्क्वायर के अपॉन टू ए नॉट और हम बात कर रहे हैं आई ठीक है तो यहाँ पर मैं एन आई का स्क्वायर रख दूंगी इसी तरह से मैं दूसरा जो एन ये वाला ऑर्बिट है इसके लिए भी मैं फॉर्मूला बनाऊंगी तो यहाँ पर मेरे पास एन एफ स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो उन्होंने फिर क्या किया है कि यहाँ पर वैल्यूज देखने के बाद जो वैल्यूज यानी कॉन्स्टेंट थी और सेम थी दोनों जगह पे उनको एक जगह बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में सिर्फ जो है वो हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं उनका डिफ्रेंस है लिया वन अपॉन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स आई आई बिकॉज द क्वान्टिटी मेजर वेवलेंथ अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो हमारे पास आ चुका है अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं हम वेवलन का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं हमारे पास असल में है क्या For जो रेडिएशन से मिट आउट होते हैं इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होते हैं यानी और फोटॉन्स का नेचर क्या है आपके पास इलेक्ट्रो मैगनीटिव नेचर्स होते हैं तो अलेक्ट्रो मैगनीटि वेवस की जो स्पीड होती है वो उसी स्पीड से ट्रेवल करते हैं जो कि एग्जैक्टली exactly हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट जो होती है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है ये मेरे पास फॉर्मूला होता है जो कि सी एस एल में आपके पास वी होता है लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो है की की और की मैंने आपसे कहा एक्जेक्टली वही एनर्जी है जो लाइट की जो उसकी वही स्पीड है जो लाइट की स्पीड है तो यहाँ पर मेरे पास ये बराबर हो जाएगा सीजिकल्स टू एफ लंडा तो अब मैंने इसे इस एक इस को मजीद क्या किया अगर मैं इस फॉर्मुले को मजीद सॉल्व करू इस फॉर्मूले को मैं मजीद ड्राइव करूं तो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन लैमडा लेमडा इधर आ जाएगा तो ये बार आ जाएगा आपके पास एफ अपॉन सी के ठीक है और फ्रीक्वेंसी की मैंने ये वैल्यू निकाली ये वाली तो मैं क्या करूंगी इस पूरी वैल्यू को उठा कर जो है इस सी से जो है डिवाइड करवा दूंगी ठीक है अब जो चीजें कांस्टेंट आ रही हैं उनको बाहर मैंने लिख दिया वही काम जो ऊपर किया था वही काम मैंने नीचे किया यहाँ से मेरे पास मैं इसको मजीद सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास लेमडा का फॉर्मूला बन जाएगा अच्छा अब ये क्या होता है अब अगले पार्ट में आप देखिएगा ये पूरी वैल्यू मुझे एक फॉर्मुला याद आ रहा है मैंने अगर आप लोगों को याद हो डी ब्रॉगरी वेवलैन का जो हमने फॉर्मुला निकाला था दी दी, उसमें आपके पास जो लेमडा का जो फॉर्मूला आ रहा था बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्मूला जो है आखिर में वही पहुंच जाएगा ठीक है अब हम आगे चल रहे जो स्टूडेंट अभी जो एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं उनको बोल दीजिए कि मैं सब एंट्री नहीं देंगी रिमार्कबली प्योरली थियोरटिकल द जर्नल फॉर्मुला एम्पेरिकल रिलेशनशिप यानी आपके पास वो जो वैल्यूज आ रही थी मैंने आपको अभी जो दिखाई प्रोवाइडेड यानी ये वाली वैल्यू किसके बराबर है ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आएगी एग्जेक्टली exactly, जब मैं इसका जो है इसमें वैल्यूज पुट करूंगी ये सारे कांस्टेंट हैं इनको जब सॉल्व आउट करूंगी कि तो मेरे पास एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी जो असल में रेड बैक कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ रही थी तो मैं ये कर सकती हूँ कि इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ मैं वो फॉर्मुला यूज करूँ ये, ये यूज बात एक ही है तो आखिर में मेरे पास ड्राइव होकर क्या आया डी का जो फॉर्मूला को ही लेकर वो जो है उसने बात सारी की थी तो हमारे पास आखिर में जाकर वही चीज आ गई जो हम घसी बेटी पहले पढ़कर रहे थे ठीक है तो यहाँ से जो है ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है एक्सपेरिमेंटली इक्वल टू द रेडबर्ग कॉन्स्टेंट और बोहर ने जो है स्पेक्ट्रल लाइन बात की थी इस स्पेक्ट्रल फॉर द हाइड्रोजन हैव अ नेचुरल इंटरप्रिटेशन इन थोरी उसने जो है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की बात की थी कि हमारे पास जो सीरीज आई थी बालमर सीरीज लेमन सीरीज पास्टन सीरीज ब्रैकेट सीरीज तो उन तमाम सीरीज की हम वेबलेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ठीक है और मैंने आप लोग को वहां पर जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बता दिए थे ठीक है कि इनिशियल ऑर्बिट आपका कौन सा होगा फाइनल ऑर्बिट कौन द डिफरेंट सीरीज कॉल्स टू ट्रांजिशन अच्छा जो डिफरेंट सीरीज हमारे पास आई थी हाइड्रोजन एटम की बालमारेस्टेंट पीफेंट तो वो क्या बता रही होती है कॉल्स टू ट्रांजिशन टू डिफरेंट फाइनल स्टेट बाय द करेक्टराइज बाय द क्वांटम नंबर्स ठीक है क्वांटम नंबर्स यानी आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ही हैं ठीक है क्योंकि वो भी क्या है आपके पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं उन्होंने वो वो भी आपके पास quantized होते हैं एक जैसे नहीं होते अलग अलग होते हैं तो टू डिफरेंट वैल्यूज स्टेट्स बाय क्वांटम एन एफ इक्वेशन फिगर जो हमारे पास पीछे जो आई है असल में वो उसी चीज को शो कर रही है जिसके बारे में मैं आपसे बात करी थी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ठीक है ये देखिए आप ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं उनकी एनर्जीज दी हुई हैं आपको ठीक तो हमारे पास यहाँ से हम जो है कलर भी दी हुई है और हर बार्मर और लेमन सीरीज को दिखाया हुआ है तो यहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला है ये वाली वैल्यू मेरे पास रेडबर्ग कॉन्स्टेंट के बराबर आ रही है तो यहाँ से मैं अगर फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो मैं हर जो है क्या निकाल सकती हूँ हर सीरीज की वेवलेंथ निकाल सकती हूँ लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है क्या होगा ठीक है अब क्या होता है कि इन जर्नल ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन जब आपके पास हम बात करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है प्रोटॉन्स मौजूद है तो कोई भी एटम अगर होता है तो हमारे पास उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन या हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाए तो वो चला जाता है आपके पास आयनाइजेशन के प्रोसेस की तरफ लेकिन यहाँ पर अभी हम बात करेंगे जनरली तौर पर जो आपके पास एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं होते हैं न्यूक्लियस में और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं आपस में इक्वल है जो कि क्या कहलाएगा अटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट और अटोमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से टू डिस्क्राइब अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग फिक्स न्यूक्लियस प्लस जेड ई ठीक है ये आपके पास चार्ज है ठीक है बोहर थ्योरी गिव्स बोहर थ्योरी क्या कहती है हमारे पास किसके बराबर आया था आर एन बराबर आया था आपके पास स्क्वायर नॉट के ठीक है अगर मैं इसको इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट से सॉरी अटोमिक नंबर से डिवाइड दे दू तो मेरे पास तब भी रेडियस का फॉर्मूला आता है अब वो मुझे क्या बता रहा होता है क्या मेरे पास एग्जेक्टली वही चीज आनी चाहिए अगर मैं वन रखूंगी तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट का ही रेडियस आएगा अगर मैं टू रखू तो मेरे पास क्या आना चाहिए ये आप पे अब मैं आपको ये होमवर्क दूंगी ये आप लोग निकाल के देखिएगा अच्छा अब जो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मुला आया था हमने जो निकाला था वहां पर हमने यही वैल्यू उठाकर पुट कर दी ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है एन आपके पास क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है जेड आपके पास क्या है अटोमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मैं कहूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो के एटम्स में मौजूद है अच्छा अब कौन क्या पूछ रहा था मैम इनिशियल फाइनल एंड मैम इनिशियल माइनस फाइनल होगा ना ये मैंने बुक से फॉर्मला लिया बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे ना देखो ना ये तब चेंज हो जाएगा ये वन अपॉन लेमडा है अभी ये वन अपॉन लेमडा है अगर मैं सिर्फ इसको लेमडा कर दूंगी ना तब ये हो जाएगा चेंज ठीक है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि ये फॉर्मुला कैसे आ रहा है ये फॉर्मुला एक्जेक्टली exactly वैसे ही है लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पर ये वन अपॉन लेमडा है लेकिन जस्ट मैं अगर इसको लेमडा करूंगी तो ये सारी चीजें उस साइड पे चली जाएंगी और सॉल्व आउट हो जाएंगी ठीक है तो ये वाली चीज वहां जाके माइनस ये यहाँ माइनस हो रही है वहां जाके प्लस में हो जाएगी तो एग्जेक्टली exactly ये क्या बन जाएगा वन अपॉन लेमडा का अगर मैं लेमडा का फॉर्मूला निकालूंगी लेमडा का फॉर्मूला निकालूंगी तो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर ठीक है और हमारे पास चेंजेस किसमें आ रहे हैं हमारे पास जब आप रेडबर्क कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा ओके मैम ठीक है ठीक है तो ये चीज कंफर्म हुई वो वाला फॉर्मला आप देख लीजिएगा उसमें आपके पास ये चीज़ जो है चेंज नहीं हो रही थी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद है और एन एफ आपके पास चेंज हो रहा होगा उस फॉर्मले में ठीक है तो ये जो मेरे पास डेरिवेशन थी वो यहाँ खत्म हुई है अब जरूरी नहीं है कि मैं पेपर में ये पूरी डेरिवेशन उठा के दे दू मैं आपको चंद ये कह दूंगी कि आप एनर्जी की वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए और जो जो चीजें मैं बोलूंगी कि किस तरीके से निकालनी है तो आपको बस वही शो चीज शो करनी होगी जैसे इन्होंने अटोमिक नंबर भी पुट करके दिखाया है तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आप उसी तरीके से करें अब दूसरे टॉपिक की चल तरफ चलते हैं कितना टाइम रह गया हमारे पास दस मिनट रह गया ये छोटा सा टॉपिक है मेरे पास डिटेल में लिखा हुआ है और ये कितने उसकी स्लाइड्स का है जस्ट मुझे एक मिनट ये वीडियो है और इसके आगे भी थोड़ा सा होगा हाँ अच्छा ये जो है मेरे पास पहले जो है हम देख थोड़ा सा इसको हम्म एक्सरेज क्या होती है हमारे पास ये तो हमें पता है कि एक्सरेज बेसिकली क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं और इस पे भी फोटॉन्स पाए जाते हैं अच्छा इसका और गैमा का गैमा रे का नेचर सेम होता है दोनों ही आपके पास क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लेकिन यहाँ पर फर्क इसका होता है इनकी एनर्जी और वेवलेंथ का डिफरेंस आ जाता है ठीक है इज द ऑफ एनर्जी ऑरिजिनेट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम देखिए मैंने आपको वहां पर कुछ कुछ चीजों को हाईलाइट किया हुआ है जो की खा, कुछ खास दिस इज जर्नली कॉज बाय एनर्जी चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन और ये किस वजह से यानी इनकी प्रोडक्शन किस वजह से होती है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसमें चेंज वाकई हो कब फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल यानी इलेक्ट्रॉन जब हम बात करते हैं ना एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में वापस आ रहा होता है इलेक्ट्रॉन तो उसमें जो है रेडिएशन इमिट आउट होती है तो वहां पर क्या हो रहा है आपके पास एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है तो वहां पर हमारे पास क्या होगा एनर्जी एक्सरेज की जो है हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कॉज इज द एक्सेस एनर्जी टू बी रिलीज तो हमारे पास ज्यादा अमाउंट का जो एनर्जी होगा ना वो रिलीज आउट हो जाएगा एक्सरेज आर सिमिलर टू गैमरेज एक्सरेज सिमिलर तो होती हैं गैमरेज लेकिन डिफरेंस क्या होता है द वे डिफरेंस इज द वे दे आर प्रोड्यूज बिकॉज एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस ठीक है ट्रेडिशनली एक्सरेज हैव लॉन्गर वेवलेंथ एक्सरेज की जो वेवलैंथ होती है वह लॉन्गर होती है उनकी एनर्जी जो है स्मॉल uh, होती है गैमरेज से बट दिस इज ऑब्सुलेट विद मॉडर्न एक्सरेज प्रोडक्शन मैथड लेकिन एक जो अभी जो मॉडर्न मेथड है ये उससे थोड़ा सा जो है डिफरेंट है यूजेस यूजेस ऑफ ऑफ एक्सरेस एक्सरेस अब हमें क्या बताते हैं हम एक्सरे uh, हम एक्सरे मुख्तलि अपना करवाने जाते हैं जब भी हमें जरूरत होती है कि हमारी ये फ्रैक्चर हो गया या कोई बो, बोन हमारी डैमेज तो नहीं हो गई तो हम जो है डॉक्टर के पास फॉर्न जाते हो हमें एक्सरे लिखे दे देता है आजकल तो एक्सरे जो है जो है छोटी छोटी चीज का भी करवाते हैं हम इतने हो गए कैन बी टू एग्जामिन मोस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी हमें बॉडी का मैक्सिमम एरिया जो एग्जामिन करवाना होता है तो एक्सरेज को इसलिए यूज करते हैं जैसे कि आप बात करें बोन्स और ज्वाइंट्स की ऑल्दो इट इज यूज टू डिटेक्ट प्रॉब्लम अफेक्टिंग सॉफ्ट इश्यूज ठीक है सॉफ्ट इशूज में अगर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी एक्सरेज के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है मिसाल के तौर तो पर कौन से सॉफ्ट इशूज इंटरनल ऑर्गन्स के प्रॉब्लम्स दैट मे बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एक्स रेस बोन्स फ्रैक्चर्स एंड ब्रेक्स यानी हमारे पास अगर कोई फ्रैक्चर्स आ जाए हमारी हड्डी में या कोई ब्रेक हो जाए तो एक्स रेज क्या करता है उसको भी डिटेक्ट करता है अच्छा ये बताओ कि पेनीट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी एक्स रेज की ज़्यादा होगी या गैम रेज की ज़्यादा होगी ठीक है गुड अच्छा प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैसे होती है एक्सरेज आर कॉमनली प्रोड्यूस्ड अभी मैं यहाँ पर सिर्फ इसको छोटा सा है पैराग्राफ मैं इसको रीड कर दे रही हूँ पीछे फिर आपके पास जो है वो भी है इसकी वीडियो उससे ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझ पाएगा कि आपके पास जो है एक्सरे ट्यूब होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होते हैं कि वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देते हैं ठीक है एंड डायरेक्टिंग डैम इन टू अ लार्जर टारगेट हमारे पास एक टारगेट होता है यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक्सलेट करें हमने जो है एक्सरे uh, ट्यूब में जो है न, एक बैटरी से कनेक्ट किया और उस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद कि... कि कर तो जो है, तो है टारगेट पार्टिकल है वो उसको जाके क्या करेंगे डायरेक्टली उससे टकराएंगे और फिर जब उसके टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट होंगे द इनकमिंगेक्ट्रॉन रिलीज एक्स रेज आर द स्लो डाउन इन द टारगेट ठीक है तो जो अलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उस टारगेट से वो असल में कौन सी एक्सरेज की टाइप होगी ब्रेकिंग रेडिएशन ब्रेमस्टोलोंग जो है आप, आपके पास ये जो है ना एक्सरेज की एक टाइप है ठीक तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैंने आपसे अभी बात की एक्सरे ट्यूब को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से ठीक है अब मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया पोटेंशियल जब मैं अप्लाई करूंगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो एनर्जाइज हो जाएंगे तो एक्सेलरेट करेंगे ठीक है एक्सेलरेट करने के बाद वहां पर मेरे पास एक टारगेट रखा होगा फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन है वहां पर ठीक है वो डायरेक्टली उससे जाकर हिट करेंगे उसको ठीक है डायरेक्टली हिट करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो क्या करेंगे एज द स्लो डाउन इन द टारगेट यानी पहले वो आए थे बहुत तेजी की स्पीड से लेकिन जैसे ही वो टारगेट पार्टिकल को यानी टारगेट मटेरियल को टंगस्टन को हिट करते हैं डायरेक्टली और वहां से जो मुझे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं उनका नेचर क्या हो जाता है उनका नेचर स्लो डाउन हो जाता है यानी अब उसकी स्पीड क्या हो जाती है स्लो हो जाती है और वो क्या करते हैं वो वहां पर एक्सरेज को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है एक्सरेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स रखता है और ये सिमिलर होती है रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स की विजिबल और रेस के एक्सरे होती हैं हाईली एनर्जेटिक होती हैं और uh, इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो मॉलिक्यूल्स को आसानी से ब्रेक करें और इनका एक और जो है काम होता है हमारे लिविंग सेल्स को डैमेज करना ये इनकी प्रॉपर्टी है कि एक प्रॉपर्टी हमने क्या की कुछ प्रॉपर्टीज तो हम जानते हैं कि एक्सरेज का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेचर होती हैं और इनका जो मैच uh, करती हैं कितने इनकी प्रॉपर्टीज जो है करीब करीब किसके होती हैं रेडियोवेव माइक्रोवेव विजिबल और गैमरेज के क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक वेव्स है ठीक और दूसरी हमने बात की कि, कि ये हाई एनर्जेटिंग है तो इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर ले और हमारे पास सेल्स को ये डैमेज करती हैं और वेन एक्सरेज हिट अटीरियल सम आर एब्सॉर्ब अदर आसपास

गुजर जाएंगी अब नेक्स्ट इट इज उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत क्या होती है ज़्यादा होती है क्योंकि जो हाईली अनर्जेटिक होते हैं उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है लेकिन उनकी आयनाइजिंग पावर बहुत ही कम होगी अलाउस टू टेक इंटरनल इमेजेस ऑफ़ ह्यूमन बॉडी और हमारी जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होती हैं उसमें से ये पेनिट्रेट कर जाती हैं एक्सरेस कैन नॉट बी स्ट्रेट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइक अल्फा अच्छा एक्सरेस का नेचर ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइक दूसरे जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैगनेटिक रेज होती हैं बीटा जी जिसमें हमारे पास अल्फा गैमा हम बात करते हैं अल्फा बीटा इसकी तरह ये जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती अब इसकी क्या वजह है अच्छा अब भी यहाँ पर भी टाइम आउट हो रहा है अः अब अगला हम ये करते हैं अभी कितना टाइम है दस मिनट है मैं जो हूँ नेक्स्ट पे ये वीडियो है ये एक्सप्रेस कैसे प्रोड्यूस होती है ये मैं प्ले करती हूँ Minute. Or, uh... Production of X rays. Hello, students. Welcome to today's session of production of X rays. X rays were discovered oh, okay. by. Many volume even give

Let us learn more about how x-rays are produced. How x-rays are produced? One, the common device which is used to produce yeah, x-rays is called as Coolidge tube. Two yeah, Coolidge is there. tube there is made kit up kit of glass bulb. वो करंट को वेरी जाता है फॉर्म ऑफ फिलामेंट एंड एनोड इन सर्किट को कनेक्ट कर कर करने में अगर मैं ये की निकाल कैथोड इज कनेक्टेड टू लो टेंशन बैटरी एल टी फाइव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्लेट्स ई वन And E2 are arranged on either side of the cathode, which controls the acceleration of cathode rays emitted by filament C. 6. <coughs> when a voltage is produced across the electrodes, the cathode rays are emitted and they hit the target T, which is made up of.

इफ़ेक्ट्स हैं एक्स के के हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं और गैमा रेस और इसमें जो है डिफरेंस क्या होता है बस मैं इसको जो है दो तीन मिनट में जो है ख़त्म करके मीटिंग को भी ख़त्म करती हूँ और आगे फिर मैं आप लोगों को जो है जो आगे का चीज़ें हैं ना वो की असाइनमेंट्स हैं इसमें बनी हुई है सारी चीज़ें वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एक्स रेज जैसे मैंने आप लोगों से बात की कि एक्स रेज हाल ही है

उनकी आजिंग पावर कम होती है ठीक है तो इनकी एनर्जिंग पावर अल्फा पार्टिकल से भी कम है अल्फा पार्टिकल एक्स आर कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल रिगार्ड टू रेडिएशन प्रोडक्शन ठीक है इसका जो है एक्सटर्नल इसका जो है अगर एक्सटर्नली मैं इसको कैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नली की हम बात करते हैं तो हम जाहिरी और बातमी की बात करते हैं तो यानी एक बाहर की इनर और आउट आउटर की जो हम बात करते हैं तो इसके जो आउटर हैजर्ड्स होते हैं uh, तो हम बात करें रेडिएशन प्रोटेक्शन की सिमिलर टू एक्सपोजर दैट कैस कॉज डायरेक्ट आपसे आप तो ये जो है हमारे जो सेल्स तो क्या करता है डैमेज करता है ठीक है और जो इसका लो लेवल होता है एक्सपोजर का स्टोकास्टिक हेल्थ रिस्क एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर इंडक्शन इंक्रीजेज विथ इनक्रीज एक्सपोजर यानी और जितना ज्यादा हम इसका यूज करते हैं ना अपना अपने साथ यानी यानी इन ह्यूमन हेल्थ के लिए ये जो है ज़्यादा जो है क्या होता है

थोड़ा सा लंबा है पीछे बैक पे है तो मैं अभी की क्लास अभी यही छोड़ रही हूँ इसमें सारी चीजें मैंशन है ठीक है अब हम नेक्स्ट में जो है ज्वाइन है 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 करते हैं तो उसमें जो है आप जो स्टूडेंट इनकी प्रेजेंटेशन है अब मैं वो कंटिन्यू करूंगी तो पांच मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं मैं जो है वो भी शेयर कर देती हूँ लिंक ठीक है आज का लेक्चर मैं यही स्टॉप कर रही हूँ अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना लम जो है क्लास थी हम लोगों ने इतनी लंबी